तो हम बात कर रहे हैं OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखने को मिलेगा आपको। OMDM इज ए हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। नो रीअरेंजमेंट, इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन क्लासिकल, यानी कि आप उसको बोल सकते हो कुछ इस तरह का जिसमें रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, देखेंगे वो किस तरह का होगा। और रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक मर्कोनियम और एक साइक्लिक नो रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लिक मर्कोनियम इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन द एल्कीन इज ट्रीटेड विथ मर्क्यूरिक एसिटेट इन एक्वस टेट्राहाइड्रेट फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी THF। व्हेन रिएक्शन विद दैट रिएजेंट इज कंप्लीट, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये तो रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन वास्तव में हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके पास एल्कीन है जो आपने लिया HgOSe2 प्लस वाटर प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना। यहाँ डॉट लगा हुआ है यानी कि इसके अंदर हाइड्रेटेड है आपके पास, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह लिया है। तो आपके पास अब कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकेंड रिएक्शन में आप डीमर्क्यूरेशन करेंगे, यानी फर्स्ट वाले स्टेप में मर्क्यूरेशन हो रहा है, सेकेंड वाले में डीमर्क्यूरेशन, और उसके लिए आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, वो है NaBH4 इन एल्कली मीडियम यानी OH मीडियम में। तो आपको क्या मिलेगा, एक तरह से आपका OH यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। तो नॉर्मल हाइड्रेशन कर लेते, OMDM करने की जरूरत क्या थी। नॉर्मल हाइड्रेशन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांशन के चांसेस होते हैं, यहाँ ऐसा कोई चांसेस नहीं है, समझ में आ गया। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये AC का मतलब क्या है, एसाइल ग्रुप, एसाइल का मतलब CH3COOH, और AC के बाद अगर O लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया एसीटेट आयन, CH3COOH-। तो ACO- का मतलब क्या हुआ, एसीटेट आयन, और AC का मतलब क्या है, CH3COOH-। ये हिंट है आपको याद करने के लिए, चलो ठीक है। तो मैं फिर आ रहा हूँ मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या है, आपके पास मर्क्यूरी एसीटेट लिया है आपने, HgOAC, ये एसीटेट है, दो एसीटेट है, यानी एक तरह से देखा जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOH-2Hg+2, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आगे इसमें क्या हुआ, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसके पास MTD ऑर्बिटल है, यस और नो। तो कुल मिला के ये आपके पास कुछ इस तरह से आया कि ये वाला जो पाइक ब्लॉन्ड क्लाउड है ये इसके कहाँ पहुँच गया, तैयारी पे, इसके MTD ऑर्बिटल में। तो कुल मिला के आपको और उसी समय जैसे ही यहाँ पहुँचा ये बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ पहुँचा, ये यानी ये दोनों तरफ से अटैच हो चुका है इस तरह से AC HgO। आप इसको ऐसे समझिए, ये पाई बॉन्ड इधर आया MTD ऑर्बिटल में, समझ में आया, ये इसके साथ अटैच हो चुका है, Hg पे अभी क्या चार्ज है, प्लस। लेकिन उसी समय ये चीज़ बाहर निकल गई और ये वापस जो बना है वो वाला सारा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, दोनों तरह से साइक्लिक बना दिया। कुछ समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बाहर गया, ये वाला बॉन्ड इस कार्बोकेटायन पे शिफ्ट हो गया, समझ में आ गया। अब तो एक तरह से कार्बोकेटायन साइक्लिक टाइप बनाया आपका पूरा, बन जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर H2O ने अटैक कर दिया इस जगह पक्का, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ अटैक करा और ये वाला H2O का H+ इस OAC जो माइनस निकला है उसके साथ अटैच हो गया ACO, यानी कि CH3COOH निकल गया बाहर, निकल जाने दो, कंटेनर में पड़े रहने दो साइड में, और आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, OH इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो HgOAC। ये आपके पास हो गया मर्क्यूरेशन, क्या हुआ मर्क्यूरेशन। अब ये मर्क्यूरेशन का डीमर्क्यूरेशन करना है, इस वाले पार्ट को H से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट H+ नहीं लेंगे यहाँ पर, यहाँ आप क्या लेंगे NaBH4 और एल्कली मीडियम में, तो डीमर्क्यूरेशन आसानी से हो जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ लिया ये, तो ये पूरी अलग तरह की मैकेनिज्म है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से, रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, तो ये किससे रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन से पक्का, और साथ में Hg जो था वो Hg की फॉर्मेट अलग हो गया, और क्योंकि मीडियम क्या है, मीडियम क्या है,
एल्कली। तो अब सी एस सी सी डबल ओ एच एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा? सी एस सी सी डबल ओ माइनस में। एल्कली मीडियम में एसिटेट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ की पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अगर यहाँ एच टू ओ की जगह डॉट एच टू ओ की जगह सी टू एच फाइव ओ एच लगा देते तो क्या होता? अरे कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि यहाँ पर जब ओ एच, यहाँ पर ओ आर आ जाता, ओ आर इस जगह आ जाता, तो इस तरह के की पॉइंट्स अपन को लिखने पड़ेंगे अलग से। तो की पॉइंट्स आप साथ के साथ लिख लीजिए जल्दी से, एक की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। और वो की पॉइंट क्या है आपके पास? अगर आपके पास ये इस तरह से होता और आपको ये लिखने को मिल जाता, क्या लिखने को मिल जाता? एच जी ओ ए सी टू डॉट आर ओ एच टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और सेकंड में आप लिखते एन ए बी एच फोर एल्कली मीडियम। तो फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता, तो फाइनल प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते थे। क्या लिखते हैं यहां पर? ओ आर और एच। दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट अगर यहां पर आप एच जी ओ ए सी टू डॉट आर ओ एच टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ले लेते और सेकंड एन ए बी एच फोर ले लेते ओ एच मीडियम में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता आपके पास? ओ आर एच। यानी यहां पर, वहां पर हाइड्रेशन हुआ है, यहां पर क्या होगा? एल्कोलेशन। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं जो आप कर सकते हो। तो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इस जगह, ये आपके पास दिया हुआ है और यहाँ आपके पास फर्स्ट एच जी ओ ए सी टू डॉट सी एस सी ओ एच टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या यहाँ रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपांशन जैसा कुछ दिखेगा आपको? तो फाइनल प्रोडक्ट बनाइए इसके अंदर जल्दी से। ओ सी एस सी कहाँ अटैच होगा? मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे आप। ओ सी एस थ्री यहाँ अटैच हो जाएगा और एच यहाँ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस यहाँ पर ध्यान रखना कि मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, बाकी सब सामने वाले पे छोड़ दो। सही है? तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए आप। करें एक और एग्जांपल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां मैंने एल्कीन इस तरह के लिए और ओएच लिया एक, यहां मैंने वही लिया है ओएमडीएम लिख दिया डायरेक्ट, ओएमडीएम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दोनों एक साथ हो गया इन एच टू। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा इस जगह? ओएच यहां अटैच होगा, बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या ये दोनों ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोन पेयर इस तरफ जाए और SN टू मैकेनिस हो जाए? हाँ सही है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये क्या काम करेगा? लिविंग ग्रुप। ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है?
क्योंकि ये 1 डिग्री है, यहाँ रिपल्शन कम होगा, ये इस तरफ अटैक करे और ये बाहर आ जाए, ये ज़्यादा आसान है। पक्का SN2 मैकेनिज्म देखने को मिल रही है आपको, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये वाला लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है और ये इस तरह का बन जाएगा। अब समझ में आ गया आपको? तो ये इस जगह आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कर सकते हो। कर लीजिए,